नाई के बालों और आमा के बाल में अंतर देखो, ये नाई के बाल हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो पर, एक और नए ब्लॉग पे, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से, अपने गांव से। तो आज देखिए मौसम आपको हल्का फुल्का साफ दिख रहा होगा, यानी कि वैसे तो पहाड़ों पे आपको धुंध देखने को मिलेगी और आसमान पे आपको बादल देखने को मिलेंगे। अब बरसात का मौसम है तो इस तरीके का मौसम तो बना ही रहता है, और इसके साथ साथ आपको हल्की फुल्की धूप दिख रही है तो अपने कामकाज भी चालू रहेंगे। आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, मिर्च के खेत में जाने वाले हैं या जाएंगे राजमा के खेत में, देखते हैं कहाँ जाते हैं। वहाँ करेंगे हम लोग क्या करने वाले, गुड़ाई। हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा बिल्कुल बेटा, क्या बोला, ऊपर को दिखाओ, योगी ऊपर से बोल रहा है मेरे को दिखाओ करके। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है करके, क्योंकि ऐसे मौसम के साथ साथ अपने कामकाज भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्य करना भी ज़रूरी होता है। और पीछे देख सकते हो यहाँ पे ये अपना घर है, और यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, भैंसों को दो दे रही है, दो बोले तो जिससे दूध ज़्यादा देगी, ठीक है। और पापा वहाँ पे दाल साफ कर रहे हैं, और बहन क्या कर रही है, सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे उनको धो रही है, और दिन के खाने की तैयारी कर रही है। आपको एक बार सुबह का व्यू दिखा दे किस तरीके का दिख रहा करके, ये देख लीजिए क्या ही व्यू आ रहा है भाई, पहाड़ों पर क्या ही लग रहा है करके, धुंध आप देख सकते हो, और क्या व्यू आ रहा है सुबह सुबह का, काफ़ी औसम, ये देख लो। और धूप इतनी तेज़ लगी हुई है, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे का व्यू कुछ इस तरीके का है। अभी देखते हैं शाम तक तो शायद बारिश हो सकती है, क्योंकि ये देख लो पूरे आसमान पे आपको बादल दिखेंगे और पहाड़ों के ऊपर पूरा कोहरा दिखेगा, और अपना गांव पूरा धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और ये अपने जानवर यहाँ से लेकर वहाँ तक, और ये अपना सामने घर। अभी चलते हैं अपने खेत में को, यानी कि जहाँ हम लोग गुड़ाई कर रहे हैं। ये मेरे रहे हथियार, इस पर क्या है, 3 कुदाल हैं, 1 कुदाल भाई लेके आ रहा है, तो हम 4 कुदाल लेके जाने कहाँ, खेत पे। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कौन से खेत पे जाना है, हमें जाना है अभी राजमा के खेत पे, उसके बाद देखते हैं मिर्च वाले खेत में जाते हैं कि नहीं करके। पहले हम लोगों ने कहा कि मेरे राजमा के खेत में चले जाते हैं, पापा ने बोला वहाँ कम गीला होगा करके। वैसे आपने पिछली वाली वीडियो पे देखा कि बारिश हुई थी, बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई होगी ना यार, तो गीले खेत सारे बराबर ही होंगे, पर पता नहीं क्यों पापा ने बोला भाई राजमा में जाते हैं, तो चलिए वहीं चल लेते हैं। और हम लोग जो है पूरे नॉर्म है ना, गुड़ाई करना सीख रहे हैं, ठीक है, हमें गुड़ाई करनी नहीं आती है, इस बार ही सीख रहे हैं। इस बार सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मम्मी के हाथ में लगी, आप लोगों ने देखा जब से मम्मी के हाथ में लग रखी है ना, तब से तो अपना कार्य जो नहीं भी आता था वो भी सीख लिया मैंने, पता नहीं क्या क्या सीख लिया, बस घास काटना नहीं आता और गाय बच्चियों का गोबर निकालना नहीं आता, बाकी काम सीख लिया, दूध निकालना धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि यार करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा मेन खेती है, पूरा जो घर चलता है पूरे खेती पर चलता है, तो खेती सीखनी भी ज़रूरी है। और अभी तक तो ठीक तक क्या था, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अब खेती करना भी ज़रूरी है। और अभी आपको लेके चलते राजमा के खेत पे, तो जस्ट मेरे सामने ही है, ये देख लीजिए ये राजमा खेत, यहीं पे हम लोग गुड़ाई करने वाले हैं। जब तक पापा लोग आते तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारे राजमा कितनी बड़ी हो गई है। चलिए चलते हैं सीधे खेत पे। तो ये देख लीजिए, ये जनाब राजमा का खेत, और राजमा इतनी बड़ी हो गई है, जिस दिन हमने लास्ट दिन हल लगाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, राजमा लगा रहे थे। अब जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हैं उनको तो पता होगा कि हमने कब लगाई करके। यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको मैं क्या निकालना हम लोगों ने, ये देख लो, ये आपको दिख रही होगी ना छोटी छोटी है घास, ये निकालनी होती, पता है ये राजमा का पौधा है और ये तो ककड़ी का है, पर इसके आसपास ये दिख रहे होगा आपको छोटी छोटी घास दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज झाड़ बोलते हैं, झाड़ बोले तो जो राजमा को नुकसान करती है। एक बार इसको निकाल देंगे एक या दो बार, फिर राजमा के पौधे बड़े हो जाएंगे, और फिर इसके बाद इसमें डंडे देंगे जिससे इससे बेल निकल जाएगी ऊपर को। अभी ये कार्य हमारा आगे का होगा, फिलहाल तो क्या करना है, इसकी गुड़ाई करनी है। अगर मैं आपको बारीकी से दिखाऊं तो ये देख लीजिए, आपको दिख रही होगी बहुत छोटी छोटी घास है, बहुत छोटी छोटी, ये आँखों से बहुत मुश्किल से दिख रही है, कैमरे में पता नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा है। और इस खेत में हम लोगों ने गुड़ाई करनी है, यहाँ से लेकर वहाँ से हमारा खेत है, कहाँ पर से वो, वहाँ पर से गुड़ाई करनी है हम लोगों ने, यहाँ से लेकर इधर तक। और अपने बैल अभी आई नहीं है, बैल को लेके आ रहे हैं पापा लोग। और मौसम कुछ इस तरीके का है, और आसमान पूरा आपको नीला दिखेगा, और पूरे बादलों को छूते हुए पहाड़, और पहाड़ों पे कोहरा, इस तरीके का व्यू है देख सकते हो। देखते हैं क्या होता है, बस गुड़ाई करने तक बारिश ना हो जाए यार, वरना फिर हमारी वाट लग जाएगी दोबारा से। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब पापा लोग आ जाएंगे। मेरी तो यहाँ नीचे से है, मैं नीचे से काम कर रहा हूँ, तो मैं गुड़ाई करते करते यहाँ पहुँच गया, पूरन गधा देखो वहीं पर है अभी। मम्मी एक हाथ से काम कर रही है, पापा पीछे पीछे ला रहे थे, क्योंकि वहाँ पतला था। और गुड़ाई किस तरीके से करनी है पूरन दिखाएगा,
ये देख क्या काम कर रहा है वो, तस्की कर चला तू तस्की को रहना तू। तो करना क्या है, जो राजमा के पौधे हैं ये बचा के चारों ओर कुदाल चलानी है, छोटे छोटे घास दिख रही होगी ना आपको, ये दिखेगी नहीं कैमरे में अच्छे से, बट इसको क्या करना, हटाना है हम लोगों ने। तो बस ऐसे करके पूरे खेत में निकालना है। हाँ देखो खेत गीले होने का नुकसान, ये पैर के ऊपर निशान हो जा रहे ना, तब गुड़ाई करने का नुकसान होता है ऐसे गीले में, पर क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, वेट कर नहीं सकते क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं काम अपना। इस खेत में होगी पूरी गुड़ाई, वहाँ से हम लोगों ने की यहाँ से लेकर पूरे आगे तक, ठीक है। इस पर कितना टाइम लगा, अभी 11 बज रहे हैं और हम लोग आए थे 7 बजे, तो इतना टाइम हम लोग को लगा गुड़ाई करने में। और ये देख लो गुड़ाई करने कुछ इस तरीके दिखते हैं, अभी तक यहाँ पे आपको घास दिख रही होगी, अब यहाँ पे पूरी आपको राजमा ही राजमा दिखेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये राजमा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस पर हल्की हल्की बेल आने लग जाएंगी ऊपर को, तो इस पर हम डंडे देंगे इसके सारे के लिए, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग कहाँ हैं, मिर्ची के खेत पर, और अभी का मौसम देख लो कितना सुहाना लग रहा है, पूरा क्लियर सा मौसम हुआ है। और हम लोग कहाँ मिर्च वाले खेत में, यहाँ आए हम लोग फिर से गुड़ाई करने के लिए। पहले हम लोग ने कहा कि राजमा वाले खेत पे, पीछे देख लो मम्मी पूरन और पापा, और मैं सबसे आगे ही चला हूँ, सबसे नंबर वन पे, और मेरी कुदाल ये है, सबसे टॉप पे चल रहा हूँ। पापा बोल रहे घोटाला कर रहा है, इतने आगे कैसे पहुँच गया। देखो पापा लोग उतने पीछे हैं, 3 जने, मैं सबसे आगे हूँ, और इस वाले खेत पे हम लोग गुड़ाई कर रहे हैं। और पीछे दिखाऊँ तो आपको मैं, यहाँ पे मम्मी लोगों ने पहले कर रखी है और मौसम कुछ इस तरीके का। तो क्या करते हैं, हम लोग गुड़ाई करते हैं और आपसे गुड़ाई करने के बाद जाके मिलेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ का व्यू देख लीजिए कुछ इस तरीके। आज दिन का मौसम कुछ इस तरीके का, देख लो बादल पूरे आसमान पे हैं और कहीं कहीं बादल खुलने भी लग गए हैं, देखते हैं शाम तक बारिश होती है या नहीं। हम लोग क्या करें, खेत से घर आ गए, यहाँ पे अपने जानवर देखो सारे अंदर बांधे, खाली बैल बचे हैं बस। और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग खेत से घर आए तो मेरी कलाई इतनी दर्द करी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्यों, क्योंकि यार कुदाल चला चला के ना हैबिट नहीं है ना काम करने की, तो कुदाल चला के पूरी वाट लग गई, क्योंकि हम लोगों ने दो खेतों में आज गुड़ाई करी, मिर्च के खेत में और राजमा के खेत में। राजमा के खेत में तो गुड़ाई पूरी हो गई है, पर जो मिर्च का खेत है वहाँ पर भी गुड़ाई करनी बची है, क्योंकि बहुत लंबा खेत था। और ये पूरे पीछे पता नहीं क्या कर रहा है, उल्टे सीधे काम करते रहता है हर समय, और ऐसा कुछ हो रखा है, व्यू देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नहाते धोते हैं, उसके बाद जाके आपसे आराम से मिलेंगे। ये मैंने अपने घर की छत में कुछ फूल लगा रखे थे, वो कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, ये है और ये है देख लो, और यहाँ से फूल और सामने पहाड़, क्या व्यू आ रहा है यार, काफ़ी ऑसम। अभी आपको दिखाते हैं दादी और पोते का प्यार। तो पूरन ने देखो क्या कर दिया आज, आमा के पूरे बाल काट दिए, हंस रही है। आमा बड़े देख लो, तुएल को बाव काटे, ये लापना मैंने काट दिया ने, ये पहाड़ी नाई प्रियंका का दीदी की सोनिया का दीदी, मतलब आमा को इन्हें बॉबी कट बना दिया, आमा के बाल देखो सारे काट के ने यहाँ पे रख दिए, क्योंकि आमा के बाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी ना, इसीलिए पूरन ने पूरे पता नहीं कैसे काम किए, ये इसका प्यार है आमा के प्रति। हम आप तो बहुत बड़े दिखेंगे ना, अरे वाह दर्पण दिखो तो ना, यूट्यूब में देख लो सब आसम कॉल, तुम्हें अपन आम का तस बना दे, आधे लोग ये भी बोलेंगे तुमने आमा के साथ ये क्या कर दिया, पर देखो आमा कितनी सुंदर लग रही है, अभी तक आमा के बाल सफेद लग रहे थे, आमा के बाल में मेहंदी लगा दें काली वाली, आमा फिर हमारी हीरोइन लगेगी। अरे आमा नाई के बालों और आमा के बाल में अंतर देखो, ये नाई के बाल हैं और ये आमा के बाल हैं, दोनों के बाल सेम बना दिए,
ऐसा तो ना ही अपना है, दोनों के फाल सेम लग रहे हैं। वह तस्वीर कर देला, ये देखो इसकी हरकत, ये देखो आमा के इनने बाल खड़े कर दिए अपनी तरह, जैसा खुद है ये वैसा बना दिया। अब मसाज कर, अब आमा के बालों में हम तेल लगाएंगे, फिर जेल लगा के आमा के बाल खड़े करेंगे। वाह क्या ही बना दिया इसने, ये पूरे इनने पता नहीं जैसे चूहा नहीं काटता वैसे बना दिए। देखो कैची जानी नहीं आती इस गधे को। हमारे बैल जाने लग गए, आगे देख सकते हो, और एक बकरी का बच्चा छोटा सा। और बकरी के बच्चे का नाम क्या है? श्री देवी। देखा क्या नाम रखा है, श्री देवी रख रखी है छोटी सी बच्ची का नाम। तो ऐसा कुछ चल रहा है, और अभी का मौसम कुछ इस तरीके का। और पहले को देख के आप लोगों ने अनुमान लगा लिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने ग्वाला पहले को लेके चराने के लिए। हम लोग ग्वाला कहाँ जाएंगे, जहाँ हम लोग पिछली वीडियो पे गए थे, यानी कि अपने खेतों के किनारे पे जाते हैं, वहीं इनको चराते हैं। तो हमारा काम क्या होता है पता है, रोज़ का फिक्स है, सुबह के टाइम हम लोग खेत पे रहते हैं, अगर काम हुआ तो, नहीं हुआ तो घर पे रहेंगे, और शाम के टाइम ग्वाला जाएंगे पहले को लेके। और कभी कभी कुछ और अन्य कार्य भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे घर पे क्या कंडीशन चल रही है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, ग्वाला जा रहे हैं इनको चराने के लिए। ग्वाला को चलते हुए आपको कुछ बातें बताते जो हम लोग बचपन में करते थे। पता है हम लोग क्या करते थे बचपन में, जैसे हम लोग जब ग्वाला जाते थे छोटे थे, तो वहाँ पर हम खीर बनाते थे दूध इकट्ठा करके घर से थोड़ा थोड़ा करके, जितने बच्चे लोग होते थे, और उसके बाद जाके आलू के गुटके, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। और अगर लाइफ में कभी ऐसा होता है तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे इसका ब्लॉग। आप लोग कमेंट करना कि आपको पुरानी वीडियोज़ देखनी है कि नहीं करके। उम्मीद और आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, और ऐसे ही गाँव से जुड़े रहने के लिए, हमारे पहाड़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर लेना। और साथ साथ में अगर आपने हमको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा इंस्टा का हैंडल है पहाड़ी प्रकाश गोस्वामी। हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, अगली वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।